बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बेटा, जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है, यहाँ फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं, यूपी की आल यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, 2022 में आने वाले क्वेश्चन आपके हाल ही में पेपर होने वाले हैं। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपको दिलाने वाला हूँ 85% प्लस 2022 के एग्ज़ाम में। मैं जो आपको बता रहा हूँ बस वही पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ओके? अब कुछ नहीं पढ़ना है, अब क्या करना आपका, मैं आपको बता दूँ, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेयर्स जो पेपर हो जाएगा, अब पेपर का नाम यहाँ देख सकते हो, ये पेपर का नाम हो गया, फर्स्ट पेपर है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर सेकंड भी हो सकता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ही होगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड भी हो सकता है, की जरूरत नहीं है, ओके? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझे लग रहा, बिचारी, जस्ट मोमेंट रुकते हैं गाइस, कोई नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी जस्ट देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम में आपके इंपोर्टेंट रहेंगे 2022 के लिए। तो आपको सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, एक न्यू चैनल जो खोला है हमने खिलाड़ी भैया XYZ के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इनकी आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसको आप paperhacker.in से जाकर देख सकते हैं। पेपर हैकर एक हमारी वेबसाइट है, पेपर हैकर आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो .in सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है paperhacker.in का, आप उस पर जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबके डीमेल्टी वगैरह की, BTC BEd के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक फ्री में दी जा रही है, और डी फार्मा के लिए फ्री दी जा रही है, जो भी है बिल्कुल फ्री होगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ यदि हमारी वेबसाइट से हमारी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ बाइक ऑप्शन होगा, वहाँ खरीदनी होगी, ओके? तो फ्री वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आपको क्या है, देखिए यहाँ बात करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन आप याद करेंगे, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपने बुक नोट्स जैसे पर जो भी है उसको ओपन करना है और वही पढ़ना होगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले होता है न्यूटन, जो आप देख रहे हैं ना न्यूटन ब्लैक बनाने की प्रक्रिया पर फोकस डालना है। देखो न्यूटन ब्लैक बनाते कैसे हैं ये आप देखेंगे। उसके बाद में आता है व्यतिकरण, जो है ना जो स्तर व्यतिकरण, बहुत सारे व्यतिकरण टाइप के होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि स्तर व्यतिकरण हो गया, यहाँ देखो ये जो है ना व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के प्रकार बताइए, तो कई प्रकार के व्यतिकरण होता है, जैसे कि स्तर व्यतिकरण हो गया, तो दो तीन टाइप के होंगे, वो भी आपको याद कर लेना। साथ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि यही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ मत देखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। देखो आपको माइकलसन व्यतिकरण के जो व्यतिकरण मापी होता है, माइकलसन व्यतिकरण मापी उसका कार्यविधि के बारे में एक्सप्लेन करना है, और वहीं आपको देखना है जो कह सकते हैं फैब्री पेरो व्यतिकरण मापी, माइकलसन फैब्री पेरो दोनों को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण के प्रकार का वर्णन करिए, या आपसे इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, फ्रंजों का बनना इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ना बने हों। ये तो इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चार क्वेश्चन ना बने हो, ऐसा हो नहीं सकता आज के रिकॉर्ड में, देख लेना चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ देखो जो भी घटनाएं हैं व्यतिकरण की, जिसे फ्रंजों का बनना ही होता है, जब व्यतिकरण में जो घटनाएं घटती हैं वो उसमें फ्रंज बनते हैं, तो फ्रंजों का बनना आप देख लेना, ठीक है, जिसे हम फ्रिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध कौन कौन से हैं वो आप देख लेना है, प्रकाशीय क्रियाशीलता किसे कहते हैं, प्रकाशीय क्रियाशीलता के बारे में आप याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो यहाँ बोला गया है, एक व्यतिकरण किरण पुंज के पथ में जो पतली पारदर्शक प्लेट होती है वो रखने का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है जब उस प्लेट को रखते हैं, तो ठीक है ये आपको देखना है। यदि हो गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में ये पेपर आपके में दे रखा है क्वेश्चन तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, ये आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये अध्यारोपण का सिद्धांत, वेरी 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 इंपोर्टेंट कहेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिसे बोलते हैं ना अध्यारोपण का जो सिद्धांत, प्रकाश का रुजुरेखीय संचारण के बारे में याद कर लेना है। और आप ये देख रहे हैं ना संकरण एकल,
जो सेटल होता है उसका विवर्तन के बारे में, ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन प्लेट क्या होता है, जॉन प्लेट के सिद्धांत को पढ़ेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और उसके बाद में आता है ये देखिए, ये है ध्रुवण गठन क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, द्व्यपवर्तन क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, द्व्यपवर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है। उसके बाद में रहता है समविष्ट प्रतिलोपन के बारे में, समविष्ट प्रतिलोपन क्या होता है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाशीय यंत्र के विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके लिए काफी 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 इंपोर्टेंट है। प्रकाशीय यंत्र के विभेदन क्षमता बहुत बार बनी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ये क्वेश्चन है बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेना, आपके बुक नोट गैस पेपर में जो जो क्वेश्चन मिले वो पढ़ लेना, और यदि एक दो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है, उसके जगह पर जो आपका दिल करे एक दो क्वेश्चन वो पढ़ लेना है, बाकी आप कुछ मत देखना, सारे के सारे यही क्वेश्चन देखेंगे मिलेंगे आपके पेपर में ठीक है। फ्रेंजों का बनना मैं ऊपर बता चुका हूं तो यहां छोड़ दीजिए। यहां देखिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ के जाएंगे, प्रिज्म की विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ के जाएंगे, और वाई जो क्लाइट ध्रुवमापी है इसके बाद पढ़ लेना है, और ये जो देख रहे हैं ग्रेटिंग के बारे में, ग्रेटिंग का सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रेटिंग का सिद्धांत और उसके विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ के जाना है बेटा, समझ लेना। फिर मत कहना कि मैं फेल हो गया, कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, बता रहा हूं फिर कहना नहीं है बात को, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। यहाँ देखिए रूबी, देखो रूबी लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है, लेजर क्या है, रूबी लेजर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है देखो हीलियम जो नियॉन होते हैं उनकी गैस का लेजर के बारे में, प्रिज्म किसे होते हैं, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग बारे में बताया ना, ग्रेटिंग के बारे में, ग्रेटिंग सिद्धांत, ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ लेता है आपसे, वहीं आपसे ध्रुवण ध्रुवित प्रकाश की विश्लेषण के बारे में पूछ लेता है ठीक है, विश्लेषण के बारे में, और यह आपसे पूछेगा कि जो निकोल होते हैं, निकोल प्रिज्म कौन कौन से होते हैं, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, लगा लो उसको टिक। उसके बाद में नीचे जाइए, बस लास्ट खत्म, ये क्वेश्चन और है। देखो आइंस्टीन गुणांक सिद्धांतों संबंध के बारे में, आइंस्टीन के जो गुणांक संबंध था उसके बारे में आपको देखना है, और ये देखे ध्रुवण तल की जो घर्णन नियम है उसके बारे में आपको देख लेना है, और प्रकाश के व्यतिकरण ध्रुवण के बीच और विवर्तन के बीच में एक संबंध आपको प्रदर्शित करने के लिए बोलता है, व्यतिकरण के, ध्रुवीकरण के और विवर्तन के बारे में, ये अच्छे तरीके से तीनों के बारे में याद कर लेना है, इनकी परिभाषाएं। और लास्ट में ये दो क्वेश्चन और दे रखे हैं, जिसे कहते हैं लेजर पुंज के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, लेजर पुंज जो होता है उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और उसका यूज कहाँ किया जाता है ठीक है, ये देखेंगे। और वहीं आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाफ जोन जो पीरियड है वो क्या होता है, इसके बारे में आपकी परिभाषा आपसे पूछ लेता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, डेली के नहीं कह सकता, लेकिन आप यदि क्वेश्चन ये गैस पेपर में हो, आपके नोट्स में हो तो पढ़ लेना, ना हो तो मत पढ़ना ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, सच बता रहा हूँ। और अभी हाँ, वो हमारा एक चैनल है जिससे बताया खिलाड़ी भैया XYZ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।